हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर काम कैसे करता है और आप इसको घर पे ही सेटअप या फिर इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लेबल डायग्राम के जरिए आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो होता है यहाँ पे, इसमें मेन नॉब होता है जिससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को बंद या चालू कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल रेगुलेटर, जिसकी मदद से आप ऑक्सीजन के फ्लो को एकदम सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ एक एडाप्टर जुड़ा हुआ होता है जिसके जरिए ह्यूमिडिफायर बॉटल को जोड़ा जाता है। तो ह्यूमिडिफायर बॉटल एक खास बॉटल होता है जो कि डिस्टिल वाटर से आधा या आधे से ज़्यादा भरा हुआ होता है, और ऑक्सीजन को इसी डिस्टिल वाटर से पास कराया जाता है ताकि ऑक्सीजन में नमी यानी कि मॉइस्चर बन जाए। अगर आप बिना ह्यूमिडिफायर के देर तक ऑक्सीजन लेते हैं तो विंड पाइप यानी कि श्वास नली सूख जाएगी और ये एक पेशेंट को काफ़ी तकलीफ दे सकता है। इसी कारण से ऑक्सीजन पाइप को ह्यूमिडिफायर के आउटलेट से जोड़ा जाता है और उसी पाइप का दूसरा सिरा ऑक्सीजन मास्क से या फिर ऑक्सीजन कैन्यूला से जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन कैन्यूला एक खास पाइप होता है जो कि नाक में कुछ मिलीमीटर अंदर डाल के रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ये है पुराने टाइप का सिलेंडर। तो यहाँ पे हमने की स्पैनर का यूज किया है, इसके साथ की स्पैनर आता है। इसे आप उसके खांचे में फंसा के उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और आपका जो है मेन वल्ब ऑन हो गया है। अब जो दूसरा चीज़ है, आपको नेसल पाइप जो है ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट करना है। इसका एक दूसरा एंड जो है, दूसरा सिरा जो है, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन मास्क से कनेक्टेड है। और जो रेगुलेटर नॉब है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ पे बबल्स आने लगेगा पानी में। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका सेटअप जो है सही है। और यहाँ पे जो है ये स्केल्ड ग्लास ट्यूब है, इस पे स्केलिंग किया गया है। जैसे ही आप नॉब को ऑन करते हैं, ये जो रेगुलेटर नॉब है इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो ये रेड मार्कर ऊपर की तरफ भागता है और जहाँ पे जिस नंबर पे ये रुकता है उतना लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट यहाँ से निकल रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब टाइम है कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। तो चलिए अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे मेरे भाई ने ऑक्सीजन मास्क को ऊपर पहन लिया है और साथ ही साथ इसके उंगली में हमने ऑक्सीमीटर फिट कर दिया है ताकि आपको चेंजेस पता चले। तो हम इसका डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन लेवल जो है अभी जो है वो देखते हैं। अभी जो है फिलहाल आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल 96 है और मैंने अभी नॉब को ऑन भी कर दिया है और आप देख रहे हैं बबल ह्यूमिडिफायर बॉटल में बबल्स आ रहे हैं। यानी कि कुछ सेकंड अब हमें वेट करना होगा। यहाँ पे मैं वीडियो को ना ही कट करूँगा ना ही फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि हम चेंजेस को देख पाएँ। तो अभी ऑक्सीजन सप्लाई जारी है, मास्क अभी मेरे भाई ने पहना हुआ है और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल में चेंजेस आना शुरू हो गया। तो ये ह्यूमन बॉडी पे ये काफ़ी जल्दी असर करता है। जैसे ही आपको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। तो अभी देखिए ये 99 तक चला गया है ऑक्सीमीटर में, आप देख पा रहे हैं। तो हम थोड़ा टाइम और वेट करते हैं, थोड़ा कुछ सेकेंड्स और वेट करते हैं, देखते हैं ये 100 तक पहुंचता है कि नहीं। अभी मैंने ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा और बढ़ा दिया है, लगभग 10 लीटर प्रति मिनट। पहले जब था ये 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पहले मैंने ऑक्सीजन का फ्लो को सेट किया था और उतने में ही 99 तक पहुँच गया, लेकिन अब ये और ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अब मैं एक बार खुद का ऑक्सीजन लेवल चेक करूँगा। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ तो देखते हैं मेरे वाले में क्या ऑक्सीजन लेवल होता है और मेरा डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन लेवल क्या है और मेरा ऑक्सीजन लेवल ये कहाँ तक बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर को उंगली पे लगा लिया है। अभी डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन लेवल इसको रीड करने देते हैं। ओ माय गॉड, ये 99, मेरा ऑक्सीजन लेवल तो ऑलरेडी 99 है, चमत्कार। तो इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए SpO2 लेवल 99 बाय डिफ़ॉल्ट 99 है। तो अब मैं ऑक्सीजन मास्क पहन लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीजन फ्लो चालू करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरा 99 है, तो देखते हैं ये 100 पहुँचता है कि नहीं। और ये मैंने मास्क को अच्छे से सेट कर लिया, सब कुछ रेडी है और अब हम नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और ये हमारा ऑक्सीजन फ्लो हो गया है ऑन, बबल्स आने लगे हैं ह्यूमिडिफायर में। तो अभी जो है ऑक्सीजन का फ्लो कम है, मैं धीरे धीरे उसे बढ़ा रहा हूँ।
फिलहाल तो ऑक्सीमीटर पे रीडिंग 99 ही है और ऑक्सीजन का फ्लो जो है अभी कुछ 6 लीटर प्रति मिनट है। बेसिकली 95 के ऊपर जो है पर्सन को हेल्दी माना जाता है, लेकिन मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अभी भी 99 ही है, कुछ ही सेकेंड हुआ है अभी ऑक्सीजन का फ्लो चालू किए हुए, और यहाँ पे मैंने मास्क पहना हुआ है सटीकता से, एकदम सही तरीके से मास्क को पहना, और ये रहा 100 हो गया। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीमीटर में ऑलरेडी रीडिंग 100 चला गया है, और इसके आगे तो अब जा नहीं सकता है। हालांकि यहाँ पे एक ही यूनिट इंक्रीज हुआ है, बट फिलहाल तो इसका मतलब यही है कि मेरे ब्लड में अभी 100% ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है। तो अभी मैंने ऑक्सीजन को बंद कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया, देखते हैं ये कितने सेकंड बाद ड्रॉप होता है। यहाँ पे मैं वीडियो को काट नहीं रहा हूँ, ना ही इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आई थिंक कुछ सेकंड में ड्रॉप तो होना चाहिए। हालांकि मैं अपने ऑक्सीजन लेवल से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आप किस सिचुएशन में हैं। कभी कभी आप थके होते हैं, कभी कभी आप एकदम फ्रेश होते हैं, कभी कभी आप रेस्ट के पोजीशन में होते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन लेवल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ये रहा ऑक्सीजन लेवल, अभी ड्रॉप होकर 99 पे आ गया, तो इतना टाइम लगा 99 पे आने में, और मेरा तो डिफ़ॉल्ट ही था 99। तो बस यही है, इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर काम करता है, इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है आपकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।